मोहतरमा ने मेरी तरफ इशारा किया तो हमारी आंखें टकराई एंड ही वॉज हॉट वे मोर गुड लुकिंग देन हिज पिक्चर्स धक 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 वो बड़े कॉन्फिडेंटली चलते हुए अपनी नजरें मुझ पर गड़ाए टेबल के पास आया और बोला हाय राहुल तो बैंगलोर की एक अलसाई सी दोपहर में मैं एक अरेंज डेट पर जाने के लिए बड़े बेमन से तैयार हो रही थी। ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ना मुझे कभी समझ नहीं आया। मतलब किसी अजनबी से मिलो फिर चंद मुलाकातों में ये डिसाइड कर लो कि इसके साथ जिंदगी बितानी है, ऐसा थोड़ी होता यार। मेरे पेरेंट्स का आर्ग्यूमेंट ये था कि तुम्हारे दोस्त भी तो तुम्हें नए लोगों से मिलवाते हैं, हम भी मिलवा रहे हैं, जस्ट सी हाउ इट गोज, नो प्रेशर। सिर्फ 2 हफ्ते पहले इस लड़के से मेरी पहली बार बात हुई थी फोन पर और वहां मैंने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। और अब जब उसे काम के सिलसिले में दिल्ली से बैंगलोर आना पड़ा तो हमारे पेरेंट्स को लगा कि ये तो ईश्वर का इशारा है, जल्द से जल्द मिलवा देते हैं बच्चे को, नो प्रेशर। मैंने बेयर मिनिमम एफर्ट डाल के एक कैजुअल सी समर ड्रेस पहनी, मेकअप के नाम पर थोड़ा सा लिप बाम और काजल लगाया और पहुंच गए कैफे। वहां जाकर देखा तो उनके सुंदर से गार्डन में सिर्फ एक आखिरी टेबल मौजूद था। एक बार को मैंने भी सोचा कि जिस मीटिंग से मुझे मैक्स आधे घंटे में वापस निकलना है उसके लिए ये रस्टिक सा गार्डन, ढलता हुआ सूरज, हल्की हल्की चलती हवा, गुलमोहर का पेड़, उस पर लगे लैम्प्स, थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहा था। एनीवे आई डिडंट हैव अ चॉइस तो मैं जाकर कुर्सी पर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। ठीक 5 बजे लगभग 6 फुट का एक लड़का ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने कंधे पर बैग टांगे रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। लेट्स कॉल हिम राहुल, ओके? मोहतरमा ने मेरी तरफ इशारा किया तो हमारी आंखें टकराई एंड ही वॉज हॉट वे मोर गुड लुकिंग देन हिज पिक्चर्स धक 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 धक। वो बड़े कॉन्फिडेंटली चलते हुए अपनी नजरें मुझ पर गड़ाए टेबल के पास आया और बोला हाय राहुल। जवाब में मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। थैंकफुली मेरे पेरिफेरल विजन में गुलमोहर का एक फूल गिरा तो मेरा ध्यान वापस आया, मैंने कहा हाय आई एम निशु। अगले चंद पलों में हम कुर्सियों पर बैठे, हमने कॉफ़ी ऑर्डर की, यहाँ वहाँ की बातें की, यू नो ट्रैफिक वेदर एट्सेट्रा, और फिर वहाँ पहुँच गए जहाँ अक्सर इन मैट्रिमोनियल डेट्स पर लोग पहुँच जाते हैं कि अब आगे क्या। फिर उसी ने बात आगे बढ़ाई, सो व्हाट प्लान्स फॉर फ्राइडे नाइट? Nothing much. Actually, I have a half-finished film that I have to get back to. इतनी boring film की आधी देखी? नहीं नहीं, it's actually one of my favorite films. मैं 3-4 महीने में एक बार तो revise कर ही लेती हूँ. Revise? ऐसी कौन सी फिल्म है भाई जो revise करनी है? दिल से. तुम्हें दिल से पसंद है? पसंद नहीं, बहुत पसंद है. It's one of my most favorite films. Wow. उसके wow में ना एक अजीब सा sarcasm था. I understand कि हर किसी को दिल से पसंद हो ये जरूरी नहीं, पर पहली बार किसी से मिलकर उनकी फेवरेट फिल्म के बारे में ऐसा रिएक्शन, नॉट कूल यार। वो धक धक वाली आवाज वॉज गॉन। वो अपने फोन पर कुछ खटर पटर करने लगा, फिर उसने अपना फोन मुझे थमा दिया। मैंने देखा तो स्क्रीन पर एक ब्लॉग पोस्ट था, दिल से, लव इन टाइम्स ऑफ स्ट्राइफ। मैंने स्क्रोल करना शुरू किया तो कुछ जाने पहचाने शब्दों पर मेरी नजर पड़ी, अमर, मेघना, स्टॉमी नाइट, ट्रेन स्टेशन, असम, लद्दाख, गुम्पा, और फिर वो 7 शब्द जो दिल से को बेहद खास बनाते हैं, दिलकशी, उन्स, इश्क, अकीदत, इबादत, जुनून और मौत। द 7 stages ऑफ लव। तक तक धक धक। इट वॉज बैक एंड हाउ। अगले 2 घंटे, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, अगले 2 घंटे हमने सिर्फ दिल से की बातें की। वी बॉन्डेड ओवर थिंग्स दैट वी बोथ लव्ड अबाउट द फिल्म एंड डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इज वेल, जैसे सतरंगी रे के कलर्स का इंटरप्रिटेशन, या रेडियो स्टेशन वाला वो सीन जहाँ दरवाजा बार बार खुलता बंद होता है, और अल्लामा इकबाल का शेर सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, जो उस दिन से पहले मुझे लगता था कि सिर्फ एक रैंडम सा आलाप है, और मेरा फेवरेट सीन जहां मेघना के भाइयों से खूब पिटाई खाने के बाद भी अमर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी शादी नहीं हुई अब तक। ये
क्या हो रहा था मेरे साथ। आई वॉज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, ब्लशिंग इवन। अब तक तो मुझे घर पहुंच जाना चाहिए था, बट आई जस्ट डिडंट वांट टू लीव। दिलकशी, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लव। और फिर मुझे वो सारी चीजें याद आने लगी जो मैंने नहीं की थी, ये सोचकर कि क्यों एफर्ट डालू इस मीटिंग में। जरा अच्छे कपड़े पहन लेती, नॉर्मल लिप बाम की जगह टिंटेड लिप बाम लगा लेती, थोड़ी सी बीबी क्रीम, और इतना महंगा हेयर स्ट्रेटनर खरीदा है 3 हीट मोड्स वाला, जरा बालों को सवार लिया होता। और उसे देखो कितना एफर्टलेसली हैंडसम लग रहा था। Could this be it? Could this actually be the beginning of something new? क्या मेरे पेरेंट्स सही कहते थे? कहते होंगे ना यार, इतना लाइफ एक्सपीरियंस जो है उनके पास। और फिर एक एक करके मुझे अपने उन सारे दोस्तों के नाम याद आने लगे जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी। अचानक वो सब मुझे बेहद समझदार इंसान लग रहे थे, सब अपनी जिंदगी कितनी खुशहाल तरीके से बिता रहे थे। शायद मैंने ही समझने में गलती की, मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि गुलमोहर का एक फूल मेरे सर पर गिरा और मैं वर्तमान में वापस आई। कॉफी के खाली कप देखकर मैंने कहा, अनदर कप, और कैन वी गो समवेयर एल्स, कोरमंगला हैज अ लॉट ऑफ नाइस प्लेसेस। आई'ड लव टू या, बट आई हैव दिस 11:55 का फ्लाइट, अब निकलूंगा तो शायद टाइम पर पहुंच जाऊं। ओह ओके, फिर उसने कहा, ओके आई लव्ड मीटिंग यू, ऑलराइट। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये मीटिंग इस तरह जाएगी, पर ये शादी वादी का मेरा अभी कोई प्लान नहीं है। एंड हमारे फ़ोन कॉल से मुझे लगा कि तुम भी शायद इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर पेरेंट्स ने प्रेशराइज़ किया तो यू नो हाउ इट इज़, एंड अरेंज का फंडा तो इज़ बियॉन्ड मी, ऐसे कैसे एक दो बार किसी से मिलके, यू नो। मैंने सोचा उससे कहूँ, सी आई लुक एट इट एज जस्ट अनदर वे ऑफ मीटिंग पीपल, जस्ट द वे आवर फ्रेंड्स सेट सेट अस अप ऑन डेट्स, व्हाई डोंट वी जस्ट कीप मीटिंग एंड सी वेयर इट गोज, नो प्रेशर। पर इससे पहले उसी ने कहा कि मेरे हायर स्टडीज़ के प्लान्स हैं, 4-5 जगह अप्लाई किया है, शायद कहीं ना कहीं हो जाएगा, और पेरेंट्स को नहीं पता है तो प्लीज़ हश हश। आई केप क्वाइट, आई हैड नथिंग लेफ्ट टू से। अक्सर मैं इन सेंटेंसेस के दूसरी तरफ हुआ करती थी। शाम हो चुकी थी, जूट लैम्प्स जल चुके थे, उस पीली रोशनी में सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। हमने बिल पे किया, बाहर आए, कैब बुलाई, गाड़ी आई, उसने मुझे हक किया और गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही मैंने उसकी गाड़ी को बैंगलोर के ट्रैफिक के साथ मिलते हुए देखा, मुझे दिल से का वो सीन याद आया जब अमर मेघना को बस में चढ़ते हुए देखता है। हाउ कैन आई जस्ट लेट हिम गो? हाउ ऑफन डू यू फील सच अ स्ट्रांग कनेक्शन विद समबडी? नो 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 नो, मैंने बिल्कुल अमर की तरह गाड़ी के पीछे भागना शुरू किया। मैं तेज भागी जा रही थी बैंगलोर के ट्रैफिक में, गाड़ियों के समंदर के बीच, और जब लगा कि नहीं अब मैं कितनी भी तेज दौड़ लूं उसकी गाड़ी को नहीं पकड़ पाऊंगी, तो ठीक अमर की तरह जोर से चिल्लाई, ओए। ओके, दिस लास्ट बिट ये मैंने नहीं किया फॉर टू रीजंस। वन, नो मीन्स नो, एंड सेकेंड, बैंगलोर के ट्रैफिक में गाड़ी का पीछा करना वुड बी सो स्टूपिड। जितनी देर में मैंने सारे इमेजिनेशन कर लिया था, उसकी गाड़ी सिर्फ 100 मीटर आगे बढ़ी थी। मैंने चुपचाप अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाली और अपने आप अपने घर आ गई। घर आकर लैपटॉप खोला तो स्क्रीन पर दिल से खुली हुई थी। मैंने अकेले बैठकर आधी बची फिल्म देखी। उसका मैसेज आया, इट वॉज लवली मीटिंग यू टूडे, एंड ही हैड सेंट मी अ मीम अबाउट दिल से। We stayed in touch over the next few months and then he went abroad for higher studies. Pardesh mein usse apni Manisha Koirala mil gayi. And I had to make do with the Preeti Zinta ending. Amar ke shabdon mein kahun to shayad duniya ki sabse choti prem kahani. I mean, anyway, let's not read too much into it. It was just one meeting, right? Probably a strong crush, right? Par phir bhi kyun? Aaj bhi jab dil se dekhti hoon to ek awaaz sunai deti hai. Thank you.